हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है जो हर होने वाली माँ के लिए एक फैंटेसी की तरह है। हालांकि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वह आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल आप अपने अनुभव से ही जान सकते हैं। जो आप जिस चीज़ से गुजरेंगी तभी आपको इस चीज़ से आप अवगत हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने अनुभव से कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके ज़रूर काम आएंगी, जिनके बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो आपको उसमें ज़रूर से फ़ायदा होगा और आप इसमें पहले से ही कॉन्शियस रह पाएंगी। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं मेरे अनुभव के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम हर समय किसी ना किसी दर्द से गुजरते हैं। चाहे आपको इस दर्द से कई बार आप अवगत नहीं होते क्योंकि आप काम में लगे होते हैं या फिर किसी और ध्यान में, लेकिन कई ऐसे दर्द हैं, जैसे आपका पेड़ू दर्द है, यानी कि जो आपके पेल्विक एरिया के पास के जो एरिया होता है वहाँ पे दर्द, या बैक पेन तो काफ़ी ही कॉमन है। मुझे भी प्रेगनेंसी के एंड में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। एंड के 2 महीने मुझे बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इसके अलावा कुछ लेडीज़ को जोड़ों में यानी जॉइंट्स पेन भी होती है। ब्रेस्ट में क्योंकि चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। साथ ही जो हिप हमारी होती है, हिप बोन में भी दर्द होती है। फ्रेंड्स, कई ऐसी पेन होती है जिनके बारे में शायद हम कई बार कॉन्शियस नहीं होते। जैसे कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सबसे पहले जो मेरे पेल्विक एरिया के आसपास स्ट्रेचिंग से ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि मैं उस समय हम बेबी प्लान कर रहे थे और मैं अपनी बॉडी में चेंजेस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ही मैं इस बारे में काफ़ी हद तक श्योर थी, क्योंकि उस तरह की स्ट्रेचिंग जो होती है, वह जब जो एम्ब्रियो होता है वह वॉल से अटैच हो रहा होता है उस कारण से होती है। इसलिए यह ऐसी दर्द हैं जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चलते फिरते जिसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी बहुत सारी दर्दों का हमें सामना करना पड़ता है। साथ ही फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी हमें एक फैंटेसी लगती है, लेकिन ये सीरियल या मूवी में जैसा दिखाते हैं इतनी आसान या फिर इतनी रोमांटिक नहीं होती, क्योंकि इस दौरान हमको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ता है। सबसे ज़्यादा और सबसे जो पॉपुलर चीज़ है वो मॉर्निंग सिकनेस है। मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। आप कहें कि डे 1 से लेकर प्रेगनेंसी के यानी डिलीवरी के दिन तक मॉर्निंग सिकनेस की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं कुछ भी सुबह खाती थी तो वह मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, वह वॉमिट हो जाता था। साथ ही अगर मैं टूथब्रश भी करती थी तो उससे भी मुझे वॉमिटिंग आती थी। मुझे तो मॉर्निंग सिकनेस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लेडीज़ को मैंने देखा है उन्हें मॉर्निंग सिकनेस की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको कॉन्शियस करना चाहती हूँ। इसके अलावा ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, यानी कि पेट फूलने की समस्या है, यानी जब ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा रहता है, ऐसा लगता है भूख नहीं लग रही है, यह समस्या तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। गैस या फिर कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ही कॉमन है, या फिर अपच यानी इनडाइजेशन की समस्या भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस करेंगे, यानी आपको लगेगा कि आप कोई भी काम नहीं कर सकती, हर काम में आपको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इससे निराश ना हो, यह एक दौर है जो गुजर जाएगा। फ्रेंड, मुझे भी प्रेगनेंसी के जब शुरुआती दौर में, यानी जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था। इवन एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जब खाना बनाने के लिए, मुझे कुकर का ढक्कन बंद करने तक की मेरी बॉडी में हिम्मत नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा कई बार आपको परेशानी हो जाती है। हालांकि ऐसा रेगुलर तौर पर मेरे साथ नहीं होता था, लेकिन कभी कभी किसी किसी दिन ऐसा ज़रूर होता था कि सुबह उठकर बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहती होती थी, बहुत ज़्यादा एक बॉडी में होता था। तो इस तरह से भी आपको, इस बातों से भी शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस दे रही हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, वेजिनल जो डिस्चार्ज है, जो उसकी समस्या तो सबको ही होती है, लेकिन यह आप चिंता ना करें, यह बिल्कुल कॉमन है। हालांकि अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ अनयूजुअल हो, आप प्लीज़ अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जिस भी डॉक्टर को आप विजिट कर रही हैं, उसके साथ आप इस बारे में डिस्कस ज़रूर करें। हालांकि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक बार उनको इस बारे में बताएं ज़रूर, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह उसका ट्रीटमेंट
प्रॉपर तौर पर कर सके। वेजिनल डिस्चार्ज से ही यूजुअली हमें पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी के बारे में या फिर उसकी जो स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज में वेजिनल डिस्चार्ज अलग तरह का होता है। तो इस बारे में भी आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, ज़रूर उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें ताकि आप ज़्यादा इस बारे में चिंता ना करें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, खुजली या इचिंग है, जलन है, यह इससे तो आपको परेशानी होगी ही, क्योंकि आपका जो स्टमक है वह आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा जगह बनाता है। खुजली या इचिंग आपको ना हो ऐसा तो नहीं होगा। मुझे भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अपने टमी पे स्ट्रेचिंग की वजह से खुजली होती थी। और देखिए फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जब भी खुजली करें तो आप कभी भी उस पर नाखून ना लगाएं, क्योंकि इससे आपके टमी पे मार्क्स पड़ जाएंगे जिनको हटाना बहुत ही मुश्किल है। फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने इसके बारे में नहीं बताया था और मैं अपनी टमी पे स्क्रैचिंग करती रहती थी, और जब 6-7 मंथ गुजर गए तब जाके मुझे इस बात का पता चला कि मेरी टमी पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ चुके हैं। और तब बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, मेरे टमी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए थे। इससे बचने के लिए एक काम यह है कि आप जब भी खुजली करें तो कभी भी नाखून अपने नेल्स का इस्तेमाल ना करें, हल्की हल्की उंगलियों से खुजली करें, साथ ही अपनी बैली को हमेशा मॉइस्चराइज रखें। हालांकि जो मेरे बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स पड़े थे मेरे टमी पे, वह अब बहुत ज़्यादा 95% तक अब हट चुके हैं, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो यह पड़ेंगे ही नहीं। साथ ही फ्रेंड्स, एक और समस्या होती है जो वैसे भी मुझे लगता है कि हम लेडीज़ में होती ही है, वह है मूड स्विंग्स की समस्या। मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरा मूड एक सेकंड में चेंज होता है। तो ऐसा ही प्रेगनेंसी के दौरान भी होता था, बिना वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी किसी से बात करने का या किसी के बारे में बात करने का, मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता था कई बार। तो ऐसी समस्या भी आपको ज़रूर होगी। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर आप मेडिटेशन करेंगी खासकर अनुलोम विलोम, तो इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इससे बहुत मुझे हेल्प मिली है प्रॉपर स्वस्थ रहने में, और साथ ही अपने मूड स्विंग्स को, अपनी जो मॉर्निंग सिकनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए भी यह आपकी बहुत मदद करेगा। तो आप अगर एक बार किसी से सीख के आप इसको करेंगी तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान यह बहुत हेल्प करेगी। मूड स्विंग्स हैं उनको आप अपना कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर आप परेशान रहेंगी, आप गुस्से में रहेंगी तो यह आपके आने वाले बेबी के लिए भी नहीं अच्छा है, उसका मूड भी नहीं अच्छा होगा और वह एक तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, यह थी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। शायद आपको जब आप प्रेग्नेंट हो तो सब आपका ध्यान रखते हैं, सब आपको कहते हैं कि आप खुश रहिए, आप आराम कीजिए, आप हेल्दी खाना खाइए, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कई बार सभी लोग हमको बताना भूल जाते हैं। तो आज मेरे एक्सपीरियंस से ही आप ज़रूर इस बारे में जान लीजिए ताकि प्रेग्नेंट होने के बाद आप इन सब बातों के बारे में पहले से ही जान सके और जितना हो सके इन सब बातों पे आप अपना थोड़ा कंट्रोल रखें। फ्रेंड्स, अगर आप फिर भी कुछ और भी पूछना चाहती हैं मेरे एक्सपीरियंस से तो आप वह भी पूछ सकती हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।